अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 8 है और इसमें डिस्कशन वही इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स की है कि कन्वर्जेंस इक्वेशन को कैसे किया जाता है। अब इसमें जो इक्वेशन दी गई है वो विद कर्ली ब्रैकेट्स के साथ है, स्मॉल ब्रैकेट के साथ है। हमारे पास एक इक्वेशन है ए प्लस बी और इसके गिर्द ब्रैकेट है, यानी कि पहले ये सॉल्व होगा फिर स्टेरिक सी। इससे पहले हमने विदाउट ब्रैकेट के देखा था कि किस तरह ऑपरेटर के बाद फिर दूसरा ऑपरेटर आएगा, फिर उसकी जब वैल्यू आएगी तो ऑपरेटर बाहर निकल आएगा स्टैक से। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले हमें एक सिंबल मिला ब्रैकेट का और वो ब्रैकेट जो है वो स्टैक में स्टोर हो गई, स्मॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट हमें ए, ये वाला, तो ए को हम इक्वेशन में प्रिंट करवा देंगे पोस्ट फिक्स के तौर पे कि ये पोस्ट फिक्स बनना शुरू हो गया। स्टैक में अभी हमारे पास ओपन ब्रैकेट्स हैं स्माल वाली। नेक्स्ट हमारे पास प्लस आया तो सैम्बल्स जितने भी हैं वो स्टैक में रखते जाएंगे, तो स्टैक में प्लस आ गया। अब ये इसके साथ रख लें, इसको नीचे रख लें, उसको ऊपर रख लें, तो रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बी आया तो बी लेटर यहाँ ए के साथ प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद जब ब्रैकेट आई तो फिर वो स्टोर नहीं होगा, ब्रैकेट क्लोज होगी, ओपन ब्रैकेट्स थी फिर क्लोज ब्रैकेट आई, तो इट मीन इसके अंदर एक ही ऑपरेटर है और वो बाहर आना चाहिए। अब वैल्यू पूरी होगी, देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर एक और ऑपरेटर भी होता तो फिर उसको चेक होना था कि वो किस प्रेसिडेंसी का है। ये भी है कि अगर पहले स्टेरिक है ब्रैकेट के अंदर फिर प्लस होता तो जैसे ही स्टेरिक आया था दूसरी वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि स्टेरिक से ज़्यादा ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी नहीं है। इसी तरह स्टेरिक बाद में आया, वो हमने स्टैक में स्टोर करवाया, फिर उसकी वैल्यू आई तो वापस स्टैक से स्टेरिक बाहर निकल आएगा। तो ये इस तरह परफॉर्म करके ये इन फिक्स से पोस्ट फिक्स स्टैक के थ्रू वर्किंग होती है। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन और टेम्पलेट क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो टेम्पलेट क्लास ऊप का एक बहुत ही एडवांस किस्म का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्लासेस बनाते हैं और वो टेम्पलेट नाम की डाटा टाइप उसमें क्लियर नहीं की जाती। खैर ये कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अलग से डिटेल में अलग से कोई लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि जब तक कोडिंग, जिसने कोडिंग पे वर्क करना है वो जब तक उसकी डेप्थ में नहीं जाएगा उसको ये वाले कोड की समझ नहीं आनी। तो एक एक ऑपरेशन बनाएं और उसको परफॉर्म करेंगे।